नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार। मैं आपका बड़ा व्यापार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है कस्टमर प्रोफाइल। स्टार्टअप की दुनिया में या बिजनेस की जर्नी में कस्टमर को पहचानना कितना मुश्किल काम है, आप हर कोई जानते हैं। कस्टमर कैसा है, किस प्रकार का है, कस्टमर को कैसे पहचाने, कस्टमर के बारे में ऐसा क्या जान लें कि वो उसका जो बोलते हैं ना कि क्या चाहिए उसको, उसके बाद से हम बता दे, उसके बाद से हमें दे दे। तो आज का टॉपिक है कस्टमर प्रोफाइल। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं टॉपिक को शुरुआत करता हूँ। कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर प्रोफाइल बिजनेस की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर प्रोफाइल चार प्रकार से किया जाता है। पहला है ब्लू चिप कस्टमर, पहला है ब्लू चिप कस्टमर, दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, तीसरा है वन टाइम प्रोजेक्ट, और चौथा है क्या, आरपू मॉडल। आरपू मॉडल इसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। आरपू मॉडल, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इसको बोलते हैं आरपू मॉडल। पहला शुरुआत करते हैं ब्लू चिप से। ब्लू चिप कस्टमर का मतलब ये है कि आपका ऐसा कस्टमर जो आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ देता जाता हो, एज लाइक स्टॉक। मान के चलिए कि अभी आपने दो स्टॉक खरीदा है, एक खरीदा है मारुति का और दूसरा खरीदा है रिलायंस का। इसका शेयर तो कभी इतना जल्दी आसानी से अप डाउन तो होता नहीं है। ऐसा ब्लू चिप कस्टमर आप जैसा ही होता है, जैसे क्या कि अगर आपने एक बार शेयर खरीद लिया, दो शेयर, तो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, है ना। इस प्रकार के कस्टमर जो होते हैं उसको बोलते हैं ब्लू चिप कस्टमर। नेक्स्ट आता है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। अब ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है, सपोज मानिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, किसी कंपनी के साथ आपने काम करना शुरू कर दिया, अब किसी कंपनी में आपने काम करना शुरू कर दिया, तो आपका कोशिश ये होना चाहिए। सपोज मानिए कि आपने एक ऑटो पार्ट्स का स्टार्टअप शुरुआत किया है और आपको मारुति कंपनी में काम मिल गया। मारुति कंपनी में हमने काम करना शुरू किया, तो ऐसा नहीं है, आप वहां पर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां के एम्प्लॉय से मिलकर के, वहां के डिप वहां अलग 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 हम क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के ना डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर, और अलग अलग डिपार्टमेंट में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना ग्रोथ कर सकते हैं। वहां का एम्प्लॉय से बातचीत कर करके, वहां का लीडर से बातचीत करके, वहां का एचआर मैनेजमेंट से बातचीत करके, तो आप वहां भी अपना बिजनेस फैला सकते हैं, अपना बिजनेस को नर्चर कर सकते हैं। तो वो हो गया आपका ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। तीसरा आता है वन टाइम प्रोजेक्ट। तीसरा आता है वन टाइम प्रोजेक्ट। वन टाइम प्रोजेक्ट में क्या है कि आपको ना कोई ऐसे कस्टमर मिलेंगे कि 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना में एक बार आए, माल का ऑर्डर दिए और फिर 2 महीने के लिए चुपचाप, 2.5-3 महीने के लिए आए, फिर माल का ऑर्डर दिए, फिर 2-3 दिन के चुपचाप। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, वन टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर ना तीन पिलर होते हैं। पहला है क्या है, कॉस्ट, दूसरा है टाइम, और तीसरा है क्या, पहला है कॉस्ट, दूसरा है टाइमलाइन, और तीसरा है टाइम। यही है ना, 1 मिनट। कॉस्ट, स्कोप और टाइमलाइन। जो वन टाइम प्रोजेक्ट, तीसरा आता है वन टाइम प्रोजेक्ट। वन टाइम प्रोजेक्ट में आपका तीन पिलर के ऊपर काम करना है, पहला स्कोप, दूसरा टाइमलाइन और तीसरा कॉस्ट। कॉस्ट, स्कोप और टाइमलाइन, ये तीन प्रोजेक्ट, ये तीन क्या बोलते हैं, वन टाइम प्रोजेक्ट का ना तीन पिलर है, ये स्तंभ जिसको बोलते हैं। कि ऐसा ना हो कि आपका जो माल वो उसने वन टाइम जो है आया, ऐसा ना कि वो कॉस्ट भी नहीं दे रहा है और काम का स्कोप भी ज्यादा नहीं है और टाइम भी शॉर्ट नोटिस दे रहा है, नहीं हमें अभी अभी चाहिए। इससे क्या है कि आपके बिजनेस में भी फर्क पड़ जाएगा। तो ये तीन पिलर को कभी भी मद्देनजर रखते हुए आप वन टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। और बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपका कोई कस्टमर
ढाई तीन महीने में माल ले आता है, फिर चुपचाप लगा देता है, फिर ढाई तीन महीने माल ले आता है। तो अगर आपके ऐसे से कस्टमर मिल जाए ना, तो आपको बिजनेस में ग्रोथ होना ही होना है। नेक्स्ट आता है, चौथा पॉइंट होता है आरपू मॉडल। इसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। आपको मैं इसके बारे में समझाता हूं। एज लाइक समझ लीजिए टेलीकॉम कंपनी, सपोज मानिए कि आपने एयरटेल का आपने आज एक सिम परचेज किया, जिसमें आप मंथली या 2 महीने में या 3 महीने में आप रिचार्ज करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी को आपसे पर मंथ, हर एक 2 महीने में, हर एक 3 महीने में कुछ ना कुछ तो जा रहा है। ये हो गया आरपू मॉडल। कुछ ऐसे भी कस्टमर होंगे जो आपसे पर मंथ कुछ ना कुछ सामान लेंगे, कुछ ना कुछ देंगे, पर मंथ कुछ ना कुछ सामान लेंगे, कुछ ना कुछ देंगे, तो इसके ऊपर भी काम करना है। अब ये जो चार कस्टमर जो हैं, इसको पहचानने का तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं। पहला ये देखना है कि उसका उनका एज फैक्टर क्या है, किस एज वाले ये ज्यादातर काम करते हैं, इस प्रकार से काम कर रहे हैं, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि वो किस प्रकार की बातचीत करना पसंद करते हैं। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, कोई ऐसा बंदा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट करता हो और आप उसके अगेंस्ट बोल दीजिए, वैसा आपके साथ क्यों ना अच्छा रिलेशन क्यों ना, आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा। तो आप अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप की जर्नी में, आपको कस्टमर प्रोफाइल के बारे में भी पता होना चाहिए कि कस्टमर क्या करता है, क्या इसका पैशन है, क्या करना चाहता है, इसके घर में कितने लोग हैं, घर में इनके लोग हैं तो घर का इन्वायरमेंट किस प्रकार से होता है, इसका अगर कहीं घूमने जाने का वेकेशन कहाँ मनाते हैं, इनका रहन सहन किस प्रकार का चलता है। आपको कस्टमर के बारे में हर चीज जाननी होती है। जैसे बोलते हैं ना कि कस्टमर को बिजनेस के क्षेत्र में भगवान माना जाता है, तो आप उसको भगवान के जैसा एनालाइज कीजिए ना, उसको भगवान के जैसा सर्च कीजिए ना उसके बारे में, क्या है इसका, ऐसा तो नहीं है, सर्च हो सकता है। नेक्स्ट आता है एफपीएम। आपको मैं इसका वैल्यू पहले समझाता हूं एफपीएम का। स्टार्टअप की दुनिया में जो भी बंदा एफपीएम के ऊपर काम नहीं किया, उसने कुछ दिन में नहीं, कुछ दिन के बाद ना बाद उसका धंधे में गिरावट आनी आनी है। एफपीएम यानी फोकस पायलट मार्केट। एफपीएम एक ऐसा भाग है जो बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। बिजनेस एक ऐसा मॉडल है जिसके तहत बंदा, मतलब एफपीएम का समझ सकते हैं ना आपको, कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको एफपीएम के बारे में। एफपीएम का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, अमेजोन जो कंपनी है ना, ये है। क्यों? अमेजोन जो थी, ये सबसे पहले बुक भेजा करते थे। अमेजोन जो कंपनी है, ये बुक भेजा करते थे। जब आप बुक भेजते भेजते आज की डेट में देखिए, इसका हर चीज का कैटेगरी बन गया है। आपको ग्रोसरी का आइटम मिल जाएगा, फैशन में मिल जाएगा, आपको घरेलू सामान के लिए मिल जाएगा, बच्चे के लिए मिल जाएगा, एज इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक से एक मिल जाएगा, हर वो चीज। अमेजोन का लोगो आपने समझा है, अमेजोन मतलब A to Z, लास्ट का जो फर्स्ट का ए और लास्ट का जेड, अमेजोन मतलब आप मेरे पास आइए आपको हर चीज मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, फोकस पैलेट मार्केट ऊपर काम किया। पहले फोकस पैलेट मार्केट ऊपर कैसे काम किया, इन्होंने पहले ये देखा कि हमारा जो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाला लोग कौन से हैं, ज्यादातर कौन से हैं, जिनके पास 1,000, 2,000, 2,500 भी रुपया होता है ना, और जिनकी उम्र ज्यादातर 18 से 40 साल के अंदर में हो, वो कोशिश करते हैं कि यार मैं अपना टाइम बचाऊं क्यों नहीं, जो मैं दुकान में जाके खरीदने जाऊंगा उससे अच्छा ऑनलाइन मंगा लेता हूँ, 2 दिन 3 दिन आ ही जाएगा ऑटोमेटिक से। तो अमेजोन जिस प्रकार से फोकस पैलेट मार्केट ऊपर काम किया, आप उस चीज को समझना पड़ेगा, फोकस पैलेट मार्केट कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, एक और मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। ये तो बड़ी कंपनी है अमेजोन, अभी आपको मैं एक नेचुरली ग्राउंड के तौर पे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सपोज मानिए कि आपको एक इच्छा है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूं, है ना, रेस्टोरेंट खोलूं, इसका मतलब क्या है कि आपका फोकस पैलेट मार्केट कौन है, यंगस्टर लोग हैं, राइट। आपका फोकस पैलेट मार्केट उन लोगों के प्रति होना चाहिए जहां पर, जिस लोकेशन में आपका रेस्टोरेंट होगा वहां पर हाईली यंगस्टर पॉपुलेशन होनी चाहिए, जहां जवान और नौजुवक लोगों का जमावड़ा होना चाहिए, रेस्टोरेंट वहां होना चाहिए। और ये जगह कहाँ होती है, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में या कोचिंग संस्थान का, अगर
इर्द गिर्द। आपका टारगेट ऑडियंस ना, आपका स्टार्टअप टारगेट ऑडियंस को देखते हुए ही शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मतलब क्या बोलते हैं, सब्जी मंडी आप जाकर रेस्टोरेंट खोल देंगे तो जो सब्जी खरीदने वाला आदमी तो जाकर रेस्टोरेंट में जाएगा नहीं, है कि नहीं? तो आपका टारगेट ऑडियंस को देखते हुए आप अपना फोकस पायलट मार्केट जो FPM का जो तरीका है उस चीज को समझना है। अगर आप FPM के तरीका को नहीं समझते हैं तो आप अपने स्टार्टअप की जर्नी में शुरुआत नहीं कर सकते। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एक और कंपनी भी आई है, एडटेक कंपनी है, एजुकेशन बेस्ड है, वो ऑनलाइन एजुकेशन देती है, जिस कंपनी का नाम है बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है और जिनके फाउंडर हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। गिनीज वर्ल्ड में इनका रिकॉर्ड है, ये दुनिया के सबसे पावरफुल मोटिवेशनल और बिजनेस कोच और बिजनेस टाइकून के नाम से जाने जाते हैं। इनका एक ए क्या बोलते हैं, इनका एक मॉडल लॉन्च हुआ है IBC, सॉरी, इनका एक मॉडल लॉन्च हुआ IBC मॉडल। और IBC क्या है, IBC में काम कैसे करते हैं, ये सब बातें अगर आपको जानना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर सेंड कीजिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूं। लेकिन मैं सबसे पहले इनका फोकस पायलट मार्केट जो FPM है इनके ऊपर मैं बात करूंगा कि आज की डेट में IBC कौन बन रहा है। दो बंदा, पहला वो कि जो स्टूडेंट है और वो साइड इनकम करना चाहता हूं, पहला ये हो गया। और दूसरा वो कि जिसका बिजनेस चल नहीं रहा हो और बिजनेस में ग्रोथ चाहता हूं, वो IBC बन रहा है। वो उनके द्वारा कोर्स ले रहा है, उनके द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है। तो आप अपना टारगेट ऑडियंस को FPM के थ्रू आप अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, आप अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपका FPM फोकस पायलट मार्केट आपका सही से चल रहा है तो आपको बिजनेस में कोई टक्कर देने वाला नहीं। कस्टमर प्रोफाइल बनाइए, कस्टमर को एनालाइज कीजिए। आपका कस्टमर ना, बहुत पैसे कस्टमर होंगे जिसको वो एक भाषा इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस के क्षेत्र में कि यार ये मेरा लॉयल कस्टमर है, ये मेरा लॉयल कस्टमर है। दैट मींस कि आपके लिए वो एक एडवोकेट एक तरह से कह सकते हैं। तो अगर आपके आपका प्रोडक्ट उसने लेता है या आपका प्रोडक्ट आपसे लेता है तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट का जो प्रचार है ना वो उसके थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की तारीफ वो कर रहा है। तो ये लॉयल कस्टमर लोग जो होते हैं ना, लॉयल कस्टमर ये ऐसे नहीं आते हैं, ये टारगेट ऑडियंस के अनुसार आपको FPM को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना पड़ेगा लॉयल कस्टमर। मैं आज का कोर्स हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का ये वीडियो, यह चैप्टर कस्टमर प्रोफाइल आज हमने सीखा कि कस्टमर को कैसे समझें, किस प्रकार के कस्टमर होते हैं, FPM क्या होता है, वन टाइम प्रोजेक्ट क्या होता है, ARPU मॉडल क्या होता है, ब्लू चिप कस्टमर किसे बोलते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट किसके बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आने वाला वीडियो इससे भी पावरफुल है, मैं यह मैटर सस्पेंस रखूंगा। और अगर मैं एक बार लास्ट जाते जाते फिर बताना चाहूंगा, अगर आपको IBC मॉडल के बारे में जानना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट कीजिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूं। और क्या IBC मॉडल मैं आपको बताऊंगा। ऐसे IBC का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जिसको बोलते हैं IBC। ठीक है, मैं अपनी बात को यहीं क्लोज करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका स्वागत करूंगा। आपने इस वीडियो को देखा, कीमती समय आपने दिया, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किए, लाइक किए, दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार। मैं आपसे विदा लेता हूं, जय हिंद, जय भारत।